Assalamualaikum. तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रागे मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ. तो अनॉनिमस की पब्लिक, हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए आपका अनॉनिमस सुनाएगा सस्ती शायरी. और आज की सस्ती शायरी ना बाकी सस्ती शायरी से भी कुछ ज़्यादा ही सस्ती है. तो अर्ज किया है, मैं पहले बता रहा हूँ हंसी आने वाली है, तो ज़रा थोड़ा कंट्रोल करके हंसना, ठीक है. अर्ज किया है कि हम बिल्ली और कुत्ते को भगाने के लिए सॉरी हम बिल्ली और कुत्ते को भगाने के लिए बोलते हैं हुश. वाह 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 वाह, बोलो वाह 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 वाह. हंसी हंसे हंसोगे तो सही, इतना तो गारंटी है. वाह वाह कमेंट करना, और वाह वाह साथ में पांच बार बोलेंगे भी कि हम बिल्ली और कुत्ते को भगाने के लिए बोलते हैं हुश. आया था उन्होंने उसका गोल्डन प्ले बटन तो वो हो गया था खुश. सस्ती शायरी विद अनॉनिमस बाबा जी. हम खेल रहे थे डुओ स्क्वाड, और आज मैंने पहले ऑल चैट पे चल रहा था गाइस कि आ जाओ स्कूल. तो हमने देखा स्कूल भाई 2000 मीटर दूर है, स्कूल कहाँ से आ जाए. हमने प्लान कैंसिल किया फिर प्लेन से जम गए मिलिट्री बेस यानी मुल्तान में बाबा जी. तो आप ना सब अपने अपने शहर का नाम कमेंट करके मुझे बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो. और लाइक बटन भी ज़रूर दबा देना अनॉनिमस की पब्लिक, क्योंकि आपका प्यार है वो लाइक बटन से नज़र आता है. देखो वीडियो तो कोई भी देख लेगा, लेकिन जो अनॉनिमस की पब्लिक है ना वो सिर्फ लाइक करती है. और फैन जिसके भी बन जाओ, पब्लिक हमेशा अनॉनिमस की रहना, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है. हम आ गए थे सी बिल्डिंग मुल्तान मिलिट्री बेस में, और लेफ्ट पे अलग बंदे उतरे थे, राइट पे अलग बंदे उतरे थे. गाइस यहाँ पे जिंदगी बचाना कितना मुश्किल हो गया था, आप देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे. आप बोलोगे अनॉनिमस भैया आप जिंदा कैसे बच गए. और यहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पूरा पूरा अपनी टीममेट को, जिन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करके हमें जिंदा बचाया. वरना एक के पास गन थी, एक के पास गन नहीं थी, पर हमें लगा था बस अब हमारी बैंड बजने वाली और हमारा मैच अभी से शुरू होने से पहले ही हमारा मैच खत्म होने वाला है. तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास मिनी 14 है और UMP है, पुराने वाली सस्ती UMP. तो अब होता है गाइस हम पे रश, और रश होता है साथ वाली बिल्डिंग से. मैं भी नहीं बोलूंगा यार, ये मैं आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ. और कुछ लोग गिला कर रहे होते हैं, भाई आप क्यों बोलते हैं नींद आ रही है. भाई नींद आ रही है तो नींद आ रही है अनॉनिमस की पब्लिक. गाइस रश हो गया हम पे, मैं तो बोला करूंगा भाई अब मुझे आ रही है तो आ रही है, नींद आ रही है तो मैं बोलता हूँ नींद आ रही है. ये एक फेंका गया नेट, लेकिन यहाँ पे गलती क्या थी गाइस, देखो नेट फेंका टीममेट ने, लेकिन उनको कुक करना चाहिए था नेट. कभी भी नेट ऐसे मत फेंको क्योंकि नेट नजर आ जाए आता हुआ भी और गिरा हुआ भी. तो एकदम वेट करो जब आपको लगे कि हाँ इतने सेकंड में नेट वहां तक पहुंच जाएगा तो नेट फेंक दो. गाइस ये देखो M4 का मुकाबला हम किससे कर रहे हैं. अब ये आखिरी बंदा इनका बचा है, इनका आखिरी बंदा पता नहीं क्या, इन्हीं का प्लेन था किलर वालों का. तो देखो मेरे टीममेट के पास गन नहीं है, ठीक है. उन्होंने क्या चल्ला की यहाँ पे रश कर दिया, वो भी मुक्को से. और मुझे फिर मिल गया थोड़ा सा टाइम कि मैं इस बंदे को डाउन करूँ यहाँ पे बाबा जी. रामें देखो M4 वालों को हमने अकल इस्तेमाल करके हरा दिया. किलर भैया कि अब हम सारे किलर ही थे, इनके अब हम करेंगे मजे से लूट. किलर क्लैन नाइस. आप लोगों के साथ प्रैंक हो गया अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई लोगों. तो उसके बाद गए जल्दी जल्दी हम लूट कर दें क्योंकि दोबारा से हो रहा था रश. लूट आ रही है यहाँ. हम बोलेंगे कि अनॉनिमस की टीममेट छाक लॉबी को छूके टक से वापस आ गई आपके लिए. फिर गए हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह लगाया. और ये बंदा ऐसे कैसे बाबा जी, हमें किल नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन चलो मतलब जिंदा तो बच गए. उसके बाद इसकी करेंगे मजे से लूट. और मेरे पास मेड किट आ गई थी, तो टीममेट के पास हेल्थ नहीं है तो भाई दे देते हैं मेड किट. आप ले लो भाई, हम SRQ उठा ली साथ में, हमारे पास M4 है. तो अनॉनिमस की पब्लिक उसके बाद मैंने कपड़े अपने चेंज किए, एनिमीज के उठा लिए थे, और मैं आ गया था यहाँ पे मिलिट्री बेस में फैक्ट्री वाली साइड पे. क्योंकि यहाँ पे भी वो जो मतलब मैं आपको बताऊँ सी बिल्डिंग है ना, हर बिल्डिंग में एक स्क्वाड उतरा था, तो एक स्क्वाड भाग के यहाँ आ गया था. अब इन भाई को पता ही नहीं था कि मैं TPP ले रहा हूँ. मैंने यहाँ पे थोड़ी कैंपिंग की क्योंकि भाई करनी पड़ती है समटाइम. और उसके बाद इन भाई को नॉक किया. नींद आ रही है भाई, जल्दी जल्दी इनकी करेंगे लूट. और उजी मैंने उठा ली थी, मैंने सेल्फ की गिरा ली थी क्योंकि उजी मुझे थोड़ी सी बेटर लगी क्लोज रेंज में. अब यहाँ पे गाइस एक बंदे का साउंड आ रहा था मुझे अंदर से, तो मैं फिलहाल वेट ही करता, मैं नहीं चाहता था फिर मैं जाऊँ और मेरी बैंड बच जाए. पहले जाना ना हम बैंडेज वगैरह लगा के अपनी हेल्थ पूरी करेंगे, और फिर मैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं अपने टीममेट को बेड बना देता हूँ अक्सर कि अब भाई आप रश करो मैं आपको बचा लूंगा. अगर मैंने रश किया शायद आप मुझे ना बचा पाओ, ये होता है गाइस अक्सर.
तो मैंने फैसला किया था भाई मैं आगे बेट बना के टीममेट को भेजूंगा और फिर वापस जाके उस बंदे को डाउन कर दूंगा अगर मेरी टीममेट नॉक नहीं। बॉट वॉट तो हम दे देते हैं भाई, बॉट के भूखे नहीं है, आप मारो भाई बॉट के डी बढ़ाओ अपना। अब यहाँ पे जो है गाइस मैं वेट कर रहा था और बोला भाई मैं आप रश करो, और फौरन से मैं पीछे पीछे गया ताकि गोलियां इनको पड़े किल हमको मिले, अकल अकल। लेकिन गोलियां भी हमें पड़ी, किल भी हमें मिला, जाबी 57 भैया को हमने अभी डाउन किया। अब इनकी करेंगे मैं से लूट बाबा जी। अब यहाँ पे गाइस टीममेट ने ना एक बंदा देखा और नींद आ रही है, ये बॉट फायर इन पे कर रही थी और मुझे पता नहीं था है कहाँ पे, मैं मार्क करके पूछा तो ये बॉट नहीं था, ये रियल बंदा था। और फिर हमने इन पे स्प्रे देना स्टार्ट कर दिया बाबा जी। फाइनली यहाँ पे हमने इन भैया को किया डाउन, V8 फ्यूरी इनका नाम था, इनकी जल्दी से हम लूटेंगे क्रेट बाबा जी। और इसके बाद फ्लेयर चली थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया गेम प्ले, आप देख सकते हो जोन भी शुरू हो चुका है और अभी तक सिर्फ 6 मिनट का गेम प्ले हुआ, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी मैं मिलिट्री बेस में। फ्लेयर चली थी, मैंने चलती देखी थी नोवो में, तो वो पार्ट शायद मैंने वीडियो में डाला नहीं, कट कर दिया था। तो मैं यहाँ तक गाड़ी के पीछे आया था, गाड़ी में मिल नहीं रही थी, यहाँ तक हम लोग पैदल आए और पैदल आने के बाद गाड़ी हमें मिली एक, और हम रश करेंगे गाइस नोवो में क्योंकि नोवो में फ्लेयर चली थी और फ्लेयर मतलब पहली मोहब्बत AWM या अच्छी अच्छी लूट। सीधा आ गए थे एनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस में और गाड़ी अंदर पार्क की ताकि एनिमीज को नजर ना आ जाए, बॉट फायर देना शुरू कर दिया। अब गाइस मुझे बताओ आप भी ये काम करते हो, बॉट फायर देते हो स्क्वाड के साथ में, तो मुझे बड़ा मजा आता है बॉट फायर करके बंदे बुलाने में। अब यहाँ पे बॉट फायर करके बंदों को बुला रहे थे, इतनी देर में ये भाई साहब आए, आइए इसका नाम देखो चौथा मतलब फोर्थ टीममेट ऐसा कुछ नाम रखा हुआ है, चौथा सही है भाई, या ये चार भाई होंगे और ये चौथा होंगे या ये चलो चौथा। गाइस इस पर मजे ये कमेंट्स करो, देखते हैं किसका कमेंट ज़्यादा फनी होता है इनके नाम पे, मतलब इनका नाम चौथा क्यों है बताओ मुझे, सही है देखते कौन मजे के कमेंट करता है, आप सब कमेंट करके बताना। अब वहाँ पे बॉट नजर आया था तो हमारी भाई रेस शुरू होगी कि बॉट का किल कौन चलाएगा, लेकिन बाबा जी किल का नो मजा क्योंकि व्हेन यू सी द एनिमी यू जस्ट रन 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 निकालेंगे और गन मारेंगे, बंदा इज कॉल्ड किल का नो मजाक बाबा जी। अब यहाँ पे एक बंदा नीचे आ गया था तो मैंने नेट निकाला, हालांकि मैं इसको गन से भी डाउन कर सकता था, हल्का हल्का नजर आया था वो, लेकिन मुझे आ रही थी नींद तो मैंने उसको नेट से डाउन किया। भाई का नाम देखो कालीदास, वाह 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 वाह, अरे कहाँ गए गायब हो गए, वाह 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 वाह। अब वहाँ पे मेरे टीममेट को ना बंदा नजर आया था तो मैंने उनकी तरफ रश किया, मतलब उनसे पूछ रहा था बंदा कहाँ है, और जब हम मैंने पूछा बंदा कहाँ है तो आवाज आई वहाँ है वहाँ है, भाई वहाँ कहाँ, आपके टीममेट भी ऐसे करते हैं उनसे पूछो बंदा कहाँ है, वहाँ है वहाँ है, भाई आप अपनी नजरों से देख रहे हो, अल्लाह पाक ने हमें हमारी नजर दी है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ है, आपको बताना पड़ेगा ना। फिर बताया मार्क करके, तो फिर मैंने अभी नेट निकाला, अब यहाँ पे मैंने नेट फेंका तो हमें चौथे भैया का किल मिल गया था, लेकिन ये इसको मैंने नॉक के जम करके तबाही खान, भाई नाम पाकिस्तानी भाइयों ने ऐसे खतरनाक खतरनाक रखे होते ना, कालीदास तबाही खान चौथा, वाह 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 वाह। जल्दी जल्दी लूट करेंगे गाइस, इसमें हमारे पास ना 3 प्लेयर थी और हमने ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा लूटे थे तो काफ़ी मजे का गेम प्ले चला गया था ये। अब वहाँ पे सामने एक बंदा बॉट को मारा था और वो इनका आखिरी बंदा था, जैसे ही नजर आया मैंने क्राउच करके स्प्रे दिया डाउन किया इस भाई को और फौरन से जो है ना हमें जो मतलब सारे ऑल डेड हो गए। और फिर यहाँ पे मैं इस वाली क्रेड लूटने आया, मुझे गिली वाली का क्रेड यहाँ पे मिला, एटेक्स है यहाँ पे भाई और AWM यानी हमारी पहली मोहब्बत है बाबा जी। मुझे नींद आ रही है, लूट काफ़ी अच्छी है हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे इनकी लूट। उसके बाद गाइस हमने अपनी गधा गाड़ी उठाई और ब्रिज पे आए थे और यहाँ आप गौर से देखना कि सामने आपको पहले से गाड़ी नजर आ जाएगी, मैंने पे गाड़ी रोकी लेकिन कोई था नहीं, हमने आगे जाने का फैसला किया, मैंने कभी एक बार नज़र मार लेता हूँ क्या पता वहाँ पे लोग वेट कर रहे हो। जैसे थोड़ा सा आगे आया देखना गाड़ी गुजरेगी, गौर से देखना सामने, अब पता नहीं वो गुजर गई या गुजरेगी, मेरे ख्याल गुजर गई है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे साफ से नज़र नहीं आया, सॉरी एडिटिंग कर रहा हूँ। आगे था आगे और मेरा फजर का टाइम हो चुका है, अलार्म बोल रहा है तो मैं तेरा इसको रोक के आता हूँ। अब यहाँ पे फायर देखो, मैं अलार्म बंद कर रहा हूँ अपना, तो अनोनिमस की पब्लिक यहाँ पे जो है ना हमें 2 किल मिले जो कि बहुत अच्छी बात है, दोनों के दोनों हमें मिले थे। और इसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि क्या पता कोई और बंदा हो, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है पता नहीं, क्या पता यहाँ पे कोई और बंदा हो। तो उसके बाद बाबा जी कोई था नहीं, पानी में भी नजर मारी कोई नहीं था, इतनी देर में हमें नजर आती है गाड़ी, आइए वो आ रही है गाड़ी, वाह 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 वाह, आइए आइए, इन्होंने हमें देखा तो ये मुड़ गए। यहाँ पे मैंने एक शॉट मारा बड़ा गंदा मिस हुआ, फिर मैंने स्प्रे दिया, स्प्रे भी कोई खासा अच्छा नहीं था, मिस हो गया, लेकिन फिर हमने फैसला किया
दूर था ना, तो स्प्रे अच्छा भी होता तब भी वो कौन सा, हमने कुछ उखाड़ लेना था। लेकिन हमारा, हम भी नूब है, हमारा स्प्रे भी घटिया है, हम खुद को प्रो नहीं कहते भाई। तो एनोनिमस की पब्लिक, यहाँ पे मैंने बूस्ट मारा, गाड़ी भगाई रश करने के लिए फ़ौरन से, कि जाके उस बंदे, उन बंदों को चेस किया जाए। वो गाड़ी रुकी थी सामने ब्लू हाउस के पास, तो हमने फ़ौरन से बूस्ट मारा और भगाई गाड़ी यहाँ पे। ओह हो भाई देखो ड्राइविंग देखो, आह हा पीरो ड्राइवर है आपको एनोनिमस पीरो। और काफ़ी दिन हो गए हमने एनाकोंडा नहीं बोला है ना गाइस, एनाकोंडा एनाकोंडा। ऊपर एक एनाकोंडा ऐसे नाग बना होगा ऐसे गर्दन निकाल के। बाबा जी ऐसे कैसे बाबा जी। यहाँ पे हमने इनको नॉक एंड फिनिश किया। अब लूट करेंगे फौरन से, लेकिन नहीं करेंगे, बेस्टी हो गई। बंदा सामने भागता हुआ नजर आया गाइस, तो मैंने यहाँ पे अपनी ओम निकाली। अब ओम का स्कोप ही ओपन नहीं हुआ, इतनी देर में पीछे भाग गया। तो मैंने फैसला किया कि भाई जाके ना किल्स निकालने चाहिए, क्योंकि जोन आ रहा है। 15 किल तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। अब मुझे उठना पड़ेगा जल्दी से, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। यहाँ पे मैंने बूस्ट मारा अपनी भगाई गाड़ी स्क्वाडर्स की तरफ, और यहाँ पे ठोक दी ठा करके उतरे फौरन से। और अब इधर फाइट होकर सिर्फ एक ही बंदा बचा था गाइस, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आइए सर जी, यहाँ पे हमने खान किलर 6 भैया को डाउन किया। मतलब गाइस टायर देखो गाड़ी का, लॉल ढिंचक 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 लॉल। बैक करके देखो, अगर नहीं देखा तो काफ़ी फनी सीन है। और इसके बाद सामने गोलियां अलग चल रही थी 190 पे, तो हमने फैसला किया कि हमें जाना चाहिए। 2 प्लेयर मेरे पास है, 1 प्लेयर टीममेट के पास है, तो हमारे पास 3 प्लेयर हैं। और आम पहले से है, मतलब प्लेयर की लूट भी है भाई, कितनी ज़्यादा अच्छी लूट है इसमें हमारे पास। घरा गाड़ी में बैठेंगे और फौरन से करेंगे रश उस बंदे पे जो कि वहाँ पे फायरिंग कर रहा था। अभी भी आपने देखा शॉट्स आ रहे हैं, तो भगाया बूस्ट मार के फौरन से अपनी घरा गाड़ी को। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यहाँ पे आए थे हमने फौरन से जंप की, और मैं आगे भागा क्योंकि मुझे किल चाहिए, और मैं नहीं चाहता किल चोरी हो जाए। किल चोरी होने की पूरी कोशिश हो रही है, ठा करके मिस हुआ लॉल। ये भाई तो भाग रहे हैं बस। ओके गाइस, अब मुझे बताओ ये भाई भाग क्यों रहे थे। इस जुमला, इस पे एक फ़नी सा जुमला होना चाहिए, मतलब ये भाई इसलिए भाग रहे थे। आपने कुछ फ़नी सा कॉमेंट करना है, और फिर रीड करेंगे सब, मैं भी और आप लोग भी रीड करना मज़े मज़े के कॉमेंट्स। एनोनिमस के पब्लिक जोन में हम निकले थे, 7 अलाइव थे, 17 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। यहाँ पे गाड़ी नजर आई तो मैंने साइड पे गाड़ी लगाई। यहाँ पे बंदे वेट कर रहे हैं क्योंकि ब्रिज कैंप वाला जोन था भाई। रश किया मैंने आगे की तरफ, एम मेरा भाई ए, मैंने गोलियां मारी और दोनों बंदे मुझे मारने लगे, और मैं नॉक हो गया, और दोनों के दोनों किल टीममेट के पास लगे। मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख बिल्कुल नहीं है कि मैं नॉक हुआ। मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने डैमेज दिया और दोनों किल मुझे नहीं मिले, इस चीज़ का दुख। क्या आप समझ सकते हैं, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काटो भाई। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता एनोनिमस की पब्लिक। और मैंने वो अपलोड किया था गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो, जो हमारा गोल्डन प्ले बटन आया था वो अपने सेकंड चैनल पे, यहाँ पे उसका लिंक और नाम आ रहा होगा, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, कर देना प्लीज़ कर देना। ऑलरेडी कर रखा तो फिर आपको गिली चुम्मी। गाइस ये देख रहे हो, आह हा लूट देखो लूट, मतलब 3 ड्रॉप्स की लूट हमारे पास, ठीक है, और 3 फ्लेयर गन, भैंस की दुम, 3 ड्रॉप की लूट, 3 फ्लेयर गन, इतनी कमाल की लूट थी इस गेम में हमारे पास। वाह 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 वाह। क्या बोल रहा हूँ मैं, समटाइम मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं था, मैं बकवास करता हूँ। ओके, तो आज आपको एनोनिमस मान गया कि समटाइम मैं उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, बकवास करता रहता हूँ, लेकिन आपको हंसाने के लिए, इतना तो आप मानते हैं ना। बस 2 फ्लेयर चलाई थी एनोनिमस की पब्लिक हमने, उसके बाद हमारा फ्लेयर ड्रॉप आया। जब तक आ रहा था हमने नेट फाट शुरू कर दी, और ये फ्लेयर हमने जाया भी की थी, 2 चलाई थी, तीसरी हमने जाया कर दी थी गाइस। 2 ड्रॉप आएंगे, तीसरी में पत्थर के ऊपर बैठा था, मेरे बम पे फ्लेयर मारी जा रही थी, लेकिन वो मिस हो गई, आसमान पे चली गई और ज़मीन में ठुक गई और ज़ाया हो गई। तो अब यहाँ पे नेट फाइट में भाई हमसे नहीं जीत सकता कोई, ऐसे कैसे बाबा जी रिवाइव देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई आए और दूसरे जो है ना, 2 ही बंदे बचे थे, मैं नहीं चाहता कि कोई आए और जो है ना चिकन डिनर हमारे हाथ से चला जाए। तो यहाँ पे पैन वैन मार के थोड़ा सा तंग किया जा रहा था, और उसके बाद हम रिवाइव दे देंगे और ड्रॉप लूटने आ गए गाइस। में फौरन से इतने में बगी नजर आई और कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया ऐसे कैसे बाबा जी। और देखो आम मिल गई एक और, वाह 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 वाह, छे ड्रॉप की लूट है हमारे पास, छे ड्रॉप की लूट। और इसके बाद ये किल कन्फर्म हो गया था गाइस। फिर हमने अपनी नेट फाइट जारी रखी थी इस मैच में, क्योंकि बंदा मिल नहीं रहा था, और ये मैंने नेट फेंका देर में, वो बंदा मुझ पर एम करता, मेरे टीममेट ने देख लिया और उन्होंने डाउन कर दिया उस बंदे को। अभी तो पता नहीं कहाँ है फिलहाल, लेकिन ये ओके डाउन कर दिया ओम से, और हमें जो है ना चिकन डिनर मिल गया। उसके बाद गैस हम आ गए थे टीडीएम में, क्योंकि टीडीएम भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमने एक नेड निकाला और नेड करेंगे आगे की तरफ फौरन से। अच्छा ये सब है, मतलब टीडीएम स्टार्ट होगा नहीं, सबके सब अपने हाथ में नेड पकड़ लेते हैं, नेड गिर जाती है बरसात। ये शॉट मिस हुआ, लॉल बचो 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 बचो। ये शॉट गैस बॉडी शॉट लगा था, लेकिन
पता नहीं कि ये देखो भाई, वाह वाह वाह, सारा डैमेज हमारा किल गया। ओ भाई, अब यहां से आता है आपके एनोनिमस का गुस्सा आना शुरू। भाई अगर आपको एआर चलानी है तो भाई वो खेलो ना अरीना, टीडीएम में क्यों आ रहे, टीडीएम में स्नाइपिंग करने दो। बट नहीं, लेकिन फिलहाल अभी अभी तक मैं गुजारा कर रहा था, मेरे हाथ में अभी भी M24 है। ये लगा बॉडी शॉट, दो दो बॉडी शॉट लगे। एक तो बॉडी शॉट लग रहा, बंदा नहीं मर रहा, ठीक है। ये शॉट दिखा था आपने, वाह वाह, दो शॉट हो गए। ये देखो, एक तो बॉडी शॉट लग रहे हैं, बंदा नहीं मर रहा, दूसरा फिर ये ग्रोजा से, ऑग से मार रहे हैं। गुस्सा आ गया भाई आपके एनोनिमस को, निकाल ली ग्रोजा, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। अपना बम जमीन पे घिसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे गाइस ये बंदा जैसे सामने आता है, यहाँ पे हमने अपनी फिर ग्रोजा चलानी शुरू कर दी। अनाया को डाउन किया और फिर ये शूटर को डाउन किया, और फिर रीलोड हो रही है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और ये फिर हमने नोमी को डाउन किया, हमारे 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, 10 किल हमारे हैं, उस 6 किल हैं हमारे एनिमीज के। यहाँ हमने फिर से शूटर भैया को डाउन किया, अब मुझे मिशन करना है थोड़े से, 3 किल करने हैं, डेली मिशन है। यहाँ पे हमने सीनो 202 को भी डाउन किया, और ये हमारे कौन थे, नोमी भैया, व्हाट्सअप व्हाट्सअप नोमी भैया। और फिर यहाँ पे बाबा जी रीलोड वीलोड करेंगे, और यहाँ पे हमने फिर से डाउन किया नोमी भैया को। ये नोमी भैया है ना, हेलो नोमी भैया, नोमी भैया डाउन है। और ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, 202 भैया, ओके ये कौन है, नोमी भैया फिर आए, नोमी भैया आइए, नोमी भैया जाइए। ये कौन है, 202 भैया, इनका किल हमें नहीं मिला। 19 किल हो चुके हैं गाइस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, 9 किल हमारे एनिमीज के हैं, ओके। अनाया भी, अनाया की पिटाई नहीं हुई, ये कौन है, ये अनाया की पिटाई हुई, ये नोमी की पिटाई हुई, वाह 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 वाह, पीछे भागेंगे, वाह वाह वाह। 5 की स्ट्रीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और अब मुझे क्यों लग रहा है मेरी मेरी बैंड बनने वाली है। ये गए नोमी भैया, नोमी भैया आपको ना M24 चलानी चाहिए, लेकिन आप चला रहे थे भाई ग्रोजा ऑग, ऐसे थोड़ी, ऐसे ऐसे कैसे बाबा जी। ओहो नोमी भैया आए गए, यहाँ पे देखना है, क्लच हो गया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लच हो गया था। यहाँ पे 3 बंदे मैंने डाउन कर दिए थे, ये चौथा बंदा था जो बस नोमी इतनी देर में दोबारा आके, नोमी ने भी मारा भाई, नोमी दोबारा आ गया था। 3 बंदे मैंने बैक टू बैक डाउन कर दिए थे, जो कि काफी मजा आया था मुझे, और मैंने बोला था ओ काश ये भी मर जाता, मजा आ जाता, कुछ ऐसा रिएक्शन था। 11 किल चाहिए हमें, 17 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं, और नोमी भैया फिर से ग्रोजा चला के टीममेट्स को मार रहे हैं हमारे। ये कौन है, 202 है ये, है ना, मुझे देखो कपड़ों से याद हो गया, 202 भैया। ये ऑफलाइन कौन है, अनाया ऑफलाइन, नोमी भैया वापस से भागे। 8 किल चाहिए हमें, 20 हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गैस गैस करो मैं कितने किल करूंगा, कमेंट्स करके जरूर बताना, देखते हैं किसका तुक्का सही लगता है। तो बाबा जी यहाँ पे ये गए नोमी भैया, ये गए 202 भैया, 4 किल हमें चाहिए, और यहाँ मैं मरने वाला हूँ। 5 की स्ट्रीक है, ये देखो, ये पता किस लिए नहीं मरा नोमी, ये भाई नोमी स्पॉन होके आया था, स्पॉन पावर थी नोमी के पास। अब हमें सिर्फ 4 किल चाहिए, जो कि जाते जाते शायद मेरे टीममेट से पूरे कर लेंगे। 3 किल चाहिए, और हम बम जमीन पे घिसते हुए तेजी से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस ये वाला किल देखना, 10 में से नंबर देना गाइस इस किल को, ग्रोजा है, ओके देखो जरा ग्रोजा, कान के नीचे लगाया भाई, शूटर भैया की बैंड बजाई, और हमें यहाँ पे विक्ट्री मिली 23 किल के साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, कोई बात बुरी लगे तो माफ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ऊपर लिंक आ रहा होगा, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे आपको मेरी रियल लाइफ देखने को मिलती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, दिल से लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।